अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व का एक युवा बाघ हाल ही में मुंडावर के पास के गांवों में पहुंच गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस बाघ ने हरियाणा बॉर्डर के पास 5 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिससे गांव में डर का माहौल बन गया है। इस घटना के बाद दरबारपुर गांव के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वन विभाग की टीम बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास कर रही है, हालांकि खेतों में पानी भरा होने के कारण चुनौती बढ़ गई है। यह वही बाघ है जिसने 7 महीने पहले कोटकासिम क्षेत्र में एक किसान पर हमला किया था, जिसमें 2 वन कर्मी घायल हो गए थे। इस बार के हमलों के बाद वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर के राजीव गांधी अस्पताल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि बाघ को जल्द ही ट्रैंकुलाइज करके सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि जयपुर और अलवर की टीम मिलकर बाघ को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। इस बाघ ने पहले भी रेवाड़ी और कोटकासिम क्षेत्र में हमले किए थे, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग की टीम इस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह सक्रिय है। हाल ही में बासनी गांव के निवासी विकास कुमार, जो सुबह 5 बजे ट्रेन से आए थे, पर भी बाघ ने हमला किया। हालांकि उनके भाई की बाइक की लाइट देखकर बाघ भाग गया। इसके बाद बाघ पास के दरबारपुर गांव की ओर चला गया, जहां उसने सतीश, बीनू और महेंद्र पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इनमें सतीश की हालत गंभीर है, जबकि महेंद्र और बीनू को भी चोटें आई हैं और उन्हें अलवर रेफर किया गया है। सरिस्का के DFO राजेंद्र गुड्डा के अनुसार बाघ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उसे बेहोश करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बाघ के हमलों से भयभीत ग्रामीणों को स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है। मामला सुबह 5:30 बजे शुरू हो रहा है। कर्मचारी था रेलवे में, अही बोड़ा में मुर्गी फार्म के पास उसके ऊपर अटैक किया। अच्छा। उसके बाद 7 बजे के लगभग हमें सूचना मिली। सूचना के बाद हम तुरंत चौकी में फोन किया। चौकी इंचार्ज ने तुरंत वहाँ से मौके पर आए। उन्होंने वाघ को सूचना किया। उन्होंने वाघ की टीम आ चुकी थी, कर्मचारी पुलिस वाले भी आ चुके थे। उसके बाद गांव की इधर घूमता रहा। लगभग 11 बजे उसने तीन व्यक्तियों के साथ वारदात की। एक तो सतीश सनोप जगदीश, एक महेंद्र सनोप रामकिशन, एक वीरेंद्र सनोप धर्मपाल, और तीनों को सामने छाती से और बगल में बाजू से फोन में लथपथ हो गए तीनों, और तीनों को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। क्या वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? वन विभाग के कर्मचारियों का भी कोई कार्रवाई नहीं। क्या यहाँ? हाँ, पहुंचे लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ड्रोन वगैरह कोई कुछ ना? भी ड्रोन वगैरह कुछ नहीं है। गाड़ी जरूर लेके आए लेकिन गाड़ी का उपयोग नहीं हो रहा। उनके पास गन भी है लेकिन गन का भी कुछ नहीं। उनके सामने टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में निकल गया था, लेकिन वन विभाग के व्यक्तियों ने, कर्मचारियों ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि हानि नहीं पहुंचे।